डेनियल ब्रैंडन बिल्जेरियन, जिसे सब डैन बिल्जेरियन के नाम से भी जानते हैं, और जो नाम से भी नहीं जानते उन्होंने फिर भी सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज तो जरूर देखी होगी। ये बंदा 24 घंटे लड़कियों से घिरा रहता है, सोशल मीडिया का स्टार इसे कहा जाता है, और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर हर जगह इसके लाइफस्टाइल को देखने और फॉलो करने वाले लोग मौजूद हैं। पर डैन को डैन बिल्जेरियन बनाया कैसे गया, यानी उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी पिक्स पर कोट्स लिखते हैं, उसकी लाइफस्टाइल को ड्रीम की तरह सोचते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शुरुआत से। डैन का जन्म 7 दिसंबर 1980 को फ्लोरिडा, यूएसए में हुआ था। इसके फादर का नाम है पॉल और मॉम का नाम है टेरी। अब डैन के फादर एक अमेरिकन बिजनेसमैन और स्टॉक में पैसा लगाने वाले बंदे थे। अब पॉल जो डैन के फादर हैं, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन की, और इसे करने के तुरंत बाद उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था रोबोटिक्स कंपनी। ये कंपनी बहुत बढ़िया चली और 8 डिजिट का पैसा बनाने लगी। अब हुआ ये कि पॉल को एक धोखाधड़ी के केस में दोषी करार किया गया और $1.5 मिलियन का जुर्माना उन पर लगाया गया, और साथ ही उनको जेल भी हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी का पूरा दिवालिया निकल गया। पर पॉल ने अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने बच्चों के लिए बचाया था, यानी एक तरह एक फंड उन्होंने अपने बच्चों को दिया, और बाद में डैन ने इसी फंड को अपने प्रोफेशनल पोकर करियर में लगाने की सोची। अब भाई डैन बचपन से ही पोकर का दीवाना है, उसे ये खेलने में बड़ा मजा आता था। वो शुरू से अपने भाई एडम के साथ ये खेलता था, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये गेम ज्यादातर जीतता था। डैन विक्ट्री पोकर का को फाउंडर और जीजी पोकर का ब्रांड एम्बेसडर है। डैन को सिंगल हाई टेक पोकर गेमर भी कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कैश के साथ एक बड़ा दाव खेलता, जिसकी वजह से एक बार में लाखों कमाने का मौका मिलता। जैसे अगर वो $750 के साथ भी खेल रहा है तो एक दिन में $187,000 बनाने का दावा करता था। और फिर 2008 में डैन ने पोकर की मेन इवेंट सीरीज में हिस्सा लिया, जहां बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर मौजूद थे। वहां पर डैन ने $36,626 की कमाई की और 180 रैंक पर आया। अब ये बात बहुत चौंकाने वाली थी कि अगर वो बहुत अच्छा खेलता था तो वहां पर 180 रैंक पर क्यों आया, और वहां के कुछ प्लेयर तो ये भी दावा करते हैं कि डैन कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। खैर, इसके बाद 2010 में प्लफ मैगजीन ने डैन को दुनिया का सबसे मजेदार पोकर प्लेयर बताया, और ट्विटर पर उसके ऑलरेडी काफी फैन बनने लगे। और फिर एक दिन डैन ने एलेक्स गोरेस के साथ एक हेड अप मैच अनाउंस किया, जो इजराइल के बिलियनर में से एक है। डैन ने कहा कि एक बार ये लोग खेलेंगे मोली गेम्स में, जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी गेम है, और वहां पर उसने खुद ही ये बताया कि डैन अब $40 मिलियन जीत चुका है। अब अगर आज की डेट में बात करें तो भाई के पास $200 मिलियन की नेटवर्थ है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि जो लड़कियां डैन सोशल मीडिया पर शो करता है वो सब कौन है। एक्चुअल में वो सब पेड मॉडल्स हैं, और कुछ एस्कॉर्ट की तरफ से भेजी गई लड़कियां हैं, उन्हें वो मंथली पे करते हैं, जिससे वो उनके साथ हर फोटोज में नजर आती है और उसके साथ हर टूर पर नजर आती है। डैन को कई हॉलीवुड मूवीज में भी ऑफर मिले। इसकी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2013 में हुई, जब इसे पहली मूवी लोन सर्वाइवर नाम की मिली, और 2014 में इक्वलाइजर नाम की एक मूवी मिली, फिर कैटरन 2 और द अदर वुमेन नाम की एक मूवी मिली। अब भाई बात आती है कि लोगों को इसे देखकर बिल्कुल इसके जैसे ही लाइफ को जीने का दिल करता है, जबकि एक्चुअल में शुरुआत उसके फादर से हुई, फिर उसने पोकर को ही अपना करियर समझा, यानी हमें ऐसा दिखाया गया। फिर उसके साथ की लड़कियों को देख देख कर लोग सिर्फ ऐसा ही देखते हैं कि अगर इन्हें भी मिल जाए तो इनकी लाइफ सेट है, मगर असल में वो सब कुछ पेड है। वो सिर्फ ऐसे पोस्ट करता है जिससे उसे अटेंशन मिल सके, और फिर अटेंशन मिलते ही उसे ब्रांड प्रमोशन के काफी सारे ऑफर्स मिलते हैं, जिससे उसकी और ज्यादा कमाई बनती जाती है। पर यार डैन का ऐसा रवैया उसे और ज्यादा बेफिक्र बना देता है। एक बार उसने एक पोर्न स्टार को स्विमिंग पूल में फेंकने का स्टंट रिकॉर्ड किया था। स्टंट तो उसने कर दिया, पर उस लड़की को पूल में फेंकते वक्त उसका पैर टूट गया, और यहाँ इस लड़की ने जब पैसे मांगने की डिमांड उसके सामने रखी तो उसने मना कर दिया। और फिर एक बार उसने एक क्लब में हाथापाई होने पर लड़की के मुंह पर लात मार दी थी। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि जो आपको दिखाया जाता है, जो वो शो करता है, वो सब कुछ फेक है, क्योंकि उसने एक साल में इतना पैसा कमाने का दावा किया जितना बड़े से बड़े पोकर प्लेयर भी लंबे टाइम तक नहीं कमा पाते। और फिर ये रिपोर्ट भी सामने आई कि डैन के पास जितना भी पैसा है वो एक्चुअल में पॉल का है, यानी जितना भी पैसा हमें दिखाया जाता है वो सब ऑलरेडी पॉल का, यानी उसके पिता का है। डैन की इस लग्जरी लाइफ के मास्टरमाइंड उसके पिता ही है। और फिर भाई ने 2017 में अपनी एक कंपनी शुरू की इग्नाइट नाम से, पर असल में उसके एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट सब वो कंपनी छोड़कर चले गए थे। पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो कंपनी कभी ठीक से चली ही नहीं। अब डैन के सोशल मीडिया को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ एक फेक इमेज का सहारा लिया जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ बहुत कूल चल रहा है, क्योंकि उसके पॉल पिता जिस केस में अरेस्ट हुए थे वो ऑलरेडी इतने पैसों का था कि वो बहुत लंबे टाइम तक आराम से बैठकर खा सकते थे। अब अगर उन्होंने जुर्माना लगाकर वो पैसा दिया भी तो भी ऐसा माना जाता है कि उनका बहुत बड़ा हिस्सा पीछे बच गया था। खैर, मुझे तो यही लगता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक चीज को हमें सच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाया जाता है।
बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं ऐसी ही और भी नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।